अभी दशहरे को कुछ दिन बीते हैं और उस पे शस्त्र पूजा होती है आरएसएस की। और अभी 2 दिन पहले आज ही की बात है शायद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के प्रोग्राम के अंदर फायरिंग हो गई थी। तो कहाँ तक देश का नागरिक सेफ है आरएसएस की, कहाँ पूजा को बढ़िया बताते हैं, क्या है जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, मुझे लगता है शस्त्र हमेशा नुकसान करेगा। शस्त्र पूजा, शस्त्र हमेशा किसी न किसी को मारेगा जी। शस्त्र पूजा या शस्त्र, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को बुद्ध के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति का, अहिंसा का मार्ग दिखाया, अष्टांगिक मार्ग दिखाया। अगर पूरे दुनिया शस्त्रों की होड़ बंद करके जितना बड़ी मात्रा में फंड को शस्त्र खरीदने पे या उच्च प्रणाली के शस्त्र विकसित करने पे खर्च करती है, अगर पूरी दुनिया उस पैसे को अच्छे हॉस्पिटल बनाने पे, अच्छे कॉलेज बनाने पे, अच्छे स्कूल बनाने पे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पैदा करने पे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने पे खर्च करे, तो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर खुशहाली होगी, पूरे देश के अंदर तरक्की होगी, हमारी किसानी अच्छी हो, हमारी किसानों की हालत अच्छी हो, उपज अच्छी हो, उस पैसे को उधर हम लोग लगाएं और किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़े, लोन लेके भी बेचारे चुका नहीं पाते। तो मुझे लगता है ये अस्त्र की होड़ पूरे दुनिया को रोकनी चाहिए। इस पर हजारों करोड़ अरबों रुपया, पूरे दुनिया का अरबों खरबों रुपया शस्त्रों के ऊपर खर्च हो रहा है, शस्त्र की होड़ पर खर्च हो रहा है। उसे वहाँ लगाने की बजाय इंसान की तरक्की के लिए, इंसान मानव का मानव में भाईचारा बने, प्यार बने, उसके लिए माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। और शस्त्रों से कुछ हल होने वाला नहीं। भाषा क्या सिखाती है? देखिए, शस्त्र तो सुन के ही लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी शस्त्र का इस्तेमाल होगा, किसी ना किसी का खून बहेगा, चाहे अपने का बहे चाहे पराए का बहे। और हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। आप थे हमारे साथ राजेंद्रपाल गौतम जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि शस्त्र पूजा हमेशा अहिंसा का मार्ग होती है। गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलें तभी इस देश की उन्नति तरक्की हो सकती है। ऐसे में से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।